भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बनकर तैयार हो रहा है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए रूपरेखा भी तय हो गई है। 22 जनवरी को मुख्य प्राण प्रतिष्ठा समारोह भी होगा। प्राण प्रतिष्ठा के दौरान राम मंदिर के गर्भगृह में केवल 5 ही लोग मौजूद रहेंगे, जिसमें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य यजमान होंगे। संघ प्रमुख मोहन भागवत, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, सीएम योगी आदित्यनाथ और राम मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास शामिल होंगे। ऐसे में जानते हैं कि आखिर इसके क्या सियासी मायने हैं। बता दें कि राम मंदिर का उद्घाटन हिंदुओं के लिए कोई साधारण घटना नहीं है। करीब 500 साल से अयोध्या में भव्य राम मंदिर का सपना लोग देख रहे थे, जो अब जाकर साकार हुआ। इसका अपना धार्मिक महत्व है तो सियासी मायने भी हैं। नरेंद्र मोदी प्राण प्रतिष्ठा के मुख्य यजमान होंगे, जिसका सीधा संदेश है कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर का सपना साकार होने के पीछे उनकी अहम भूमिका रही है। सुप्रीम कोर्ट से भले ही राम मंदिर के पक्ष में फैसला आया हो, लेकिन बीजेपी नेता इसका श्रेय पीएम मोदी को देते रहे हैं। राम मंदिर की स्थापना से लेकर रामलला को विराजमान करने तक की अगुवाई पीएम मोदी ने ही की है। बीजेपी को इससे ये संदेश देना है कि प्रधानमंत्री मोदी जो कहते हैं उसे करके दिखाते हैं। गर्भगृह में जाने वाले दूसरे व्यक्ति होंगे संघ प्रमुख मोहन भागवत। राम मंदिर निर्माण को इस मुकाम तक पहुंचाने में संघ का एक बड़ा और अहम योगदान रहा है। आरएसएस के प्रमुख रहे बाबा साहब देवरस के दौरे में बाबरी ढांचे के खिलाफ राम मंदिर आंदोलन चलाने की पहल मानी जाती है। संघ से जुड़े विश्व हिंदू परिषद ने ही राम मंदिर को लेकर देश भर में आंदोलन चलाया। राम मंदिर के घर घर जाकर अभियान चलाने और अयोध्या में कार सेवा करने तक में संघ के लोगों की अहम भूमिका रही है। ऐसे में रामलला विराजमान हो रहे हैं तो संघ प्रमुख मोहन भागवत की गर्भगृह में मौजूदगी से इस बात का संदेश जाता है कि राम मंदिर के सपने को साकार करने में संघ की अहम भूमिका रही है। 22 जनवरी को रामलला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी और मोहन भागवत के साथ साथ आनंदीबेन पटेल भी मौजूद रहेगी। आनंदीबेन पटेल भले ही उत्तर प्रदेश के गवर्नर के तौर पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराए, लेकिन वो राज्यपाल के साथ साथ एक महिला भी है। इस तरह गर्भगृह में मौजूद रहने वाले 5 लोगों में आनंदीबेन पटेल इकलौती महिला है, जिसके जरिए आधी आबादी को सियासी संदेश देने की रणनीति मानी जा रही है। वहाँ पर राज्यपाल के साथ साथ महिलाओं का प्रतिनिधित्व भी आनंदीबेन जरूर करेंगी। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के दौरान गर्भगृह में पीएम मोदी के साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। योगी आदित्यनाथ को भले ही प्रोटोकॉल के तहत उत्तर प्रदेश के सीएम के रूप में गर्भगृह में रहने की मंजूरी मिली हो, लेकिन उसके दूसरे सियासी मायने भी हैं। प्रधानमंत्री मोदी के साथ सीएम योगी के साथ गर्भगृह में होने का सीधा संदेश दोनों नेताओं के बीच बेहतर तालमेल और केमिस्ट्री बताने की है। तो दूसरा 2024 में लोकसभा चुनाव के लिहाज से भी अहम है। उत्तर प्रदेश से 80 लोकसभा सीटें आती है। भारतीय जनता पार्टी के केंद्र की सत्ता में आने में सूबे का अहम रोल रहा है। ऐसे में 2024 के लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी का फोकस यूपी पर खास तौर से है। भगवान रामलला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के दौरान गर्भगृह में 5वें सदस्य के तौर पर पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास मौजूद रहेंगे, क्योंकि उन्हें ही सारे अनुष्ठान कराने हैं। यजमान की भूमिका में प्रधानमंत्री मोदी होंगे तो पुजारी की भूमिका में आचार्य सत्येंद्र दास होंगे। प्राण प्रतिष्ठा के दौरान मंदिर का पट बंद रहेगा। प्राण प्रतिष्ठा के बाद भगवान रामलला की आंख की पट्टी खोली जाएगी। भगवान रामलला को आईना दिखाया जाएगा। उसके बाद प्रभु राम की प्राण प्रतिष्ठा संपन्न होगी। इसके बाद होगी आरती और पूजा पाठ संपन्न किया जाएगा, जिसके बाद आचार्य सत्येंद्र दास ये सब कुछ कराएंगे और उसके बाद ही रामलला की आरती की जाएगी। आरती के बाद भोग लगेगा, भक्तों में प्रसाद वितरित किया जाएगा। अभी इस खबर में इतना ही। इस मामले में आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। खबर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीके न्यूज़ उत्तर प्रदेश उत्तराखंड सच का सारथी।